सुविधा क्या है, ये तो खच्चर मार्ग से भी मतलब अटैचमेंट ले रहे हूँ बाबा, उनको तो ऊपर से फोन आ रहे हैं। तो ये शिलान्यास कराया था यहाँ पर और गोद लिया हुआ गाँव था, तो ये कागजों में ही हुआ या इसका कुछ है भी आगे? तो कम से कम ये तो देखो 10 सालों में इनके जब रोड ही सही नहीं होती तो ये करेंगे क्या? वो सारे इकट्ठे होकर नीचे शिक्षा विभाग में जो है धना देंगे। स्वास्थ्य की स्थिति 108 नीचे से कोई आने को राजी नहीं है। यहाँ रोड की स्थिति आप देख ही रहे होंगे क्या बदहाल स्थिति। सरकार इन्हें मजबूर कर रही है, माननीय मंत्री जी इन्हें मजबूर कर रहे हैं यहाँ से प्लान करने के लिए। राजधानी देहरादून से मात्र 20 किलोमीटर दूर बसे कुछ गांव जैसे क्यारा, सिरमारी, भगद्वारी खाल, फुलेत, सिल्ला और अन्य कई गांव के निवासी आज स्थानीय विधायक और पंचायत के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते पलायन को मजबूर हो रहे हैं। जहां सोना उगलने वाली भूमि हो वहां फसलें बेहतर सड़क सुविधा न होने के चलते खेत में ही सड़ जा रही है। फसलों के सीजन के दौरान एक एक महीने तक सड़कें पहाड़ गिरने से बंद हो जाती हैं। यहां तक कि गर्भवती महिलाएं प्रसव के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। पिछले एक साल में ही करीब 4 महिलाओं ने समय पर इलाज न मिलने के चलते दम तोड़ दिया। लेकिन उदासीन हो चुके जनप्रतिनिधियों को इन घटनाओं के हो जाने के बावजूद भी कोई असर नहीं पड़ता है। चुनावी विवादों और नेताओं के झूठ से तंग आ चुके ग्रामीण अब विकट समस्या से जूझ रहे हैं। लाखों रुपए से लेकर करोड़ों रुपए की योजनाओं के बोर्ड गांव में लगे हुए हैं, मगर ग्रामीण कहते हैं कि हमें आज तक इन योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। तो भला आखिर ये करोड़ों रुपए की योजना गई तो गई कहाँ? सड़क निर्माण, पेयजल योजना, कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं का पैसा कहाँ गया, आज तक ग्रामीणों को पता नहीं चल पाया। स्थानीय विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे हुए हैं। क्षेत्र के हालात देखकर लगता है कि कमीशनबाजी के खेल के चलते सारा पैसा विधायक साहब खुद ही टकार गए। यूं ही 9 करोड़ से अधिक की संपत्ति के मालिक घर बैठे तो बने नहीं होंगे। यह हालात तब है जब क्यारा जैसे गांव को सांसद महोदय द्वारा गोद लिया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सांसदों को आदेशित किया गया था कि वह अपने क्षेत्र में गांवों को गोद लेकर उनका विकास करें और उन्हें आदर्श ग्राम बनाएं। परंतु यहां मैडम सांसद महोदया सिर्फ गांवों को गोद लेने के लिए एक बार आईं और दोबारा गांव की तरफ झांक कर भी नहीं देखा। ग्रामीणों का आरोप है कि सांसद साहिबा ने गांव को गोद लिया और गोद में ही सुला दिया, उसका ख्याल ही नहीं रखा। वहीं विधायक महोदय तो इतने बेफिक्र हैं कि ग्रामीणों के द्वारा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने के बावजूद आज तक उन्होंने ग्रामीणों से संपर्क नहीं किया। यहां के लगभग सभी गांव खेती प्रधान गांव हैं। यहां की जमीन वाकई में सोना उगलती है, परंतु ग्रामीण किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम तक नहीं मिल पाता है। यहां सभी गांव अपने आप में सुखी और संपन्न नजर आते हैं। गजब की बात है कि इन गांवों से एक भी परिवार ने आज तक पलायन नहीं किया, परंतु ऐसा लगता है कि जानबूझकर प्रशासन इन्हें यहां से पलायन को मजबूर कर रहा है, क्योंकि जहां बेहतर शिक्षा ना मिल सके, जहां रोजगार की व्यवस्था ना हो और कोई स्वरोजगार करना चाहे तो उसके लिए भी बेहतर सुविधाओं का अभाव हो, तो ऐसे में पलायन होना स्वाभाविक है और पलायन हो भी क्यों ना। इससे यह बात भी साबित होती है कि प्रशासन ही ग्रामीणों को बेशकीमती जमीनों को छोड़कर पलायन करने पर मजबूर कर रहा है। स्थानीय निवासी हैं जी, जी, जी। आपके इस इलाके में हमने पाया कि गांव बड़े सुखी हैं, संपन्न गांव हैं, इतना उनके पास सब्जी वगैरह इतना वो उगा लेते हैं कि उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है अगर वो यहां पर ढंग से रोजगार करें। लेकिन देखा कि एक तो सड़क की सुविधा से वंचित वो है। तो आप खुद ही आपके सामने था कि सुविधा क्या है, ये तो खच्चर मार्ग से भी खच्चर मार्ग इससे अच्छे होते हैं। हमारी तो स्थिति यह हो गई है कि जो हमारी यहाँ से मंडी जो जा रहा है वो भी जो है मंडी पहुँचने को रास्ते में कहीं इधर उधर हो रहा है। तो हमारा तो आपसे एक ही हुआ है कि इस बात को पहुंचाया जाए मंत्री जी को कि भाई आपके जो ये शिलान्यास कराया था यहाँ पर और गोद लिया हुआ गाँव था, तो ये कागजों में ही हुआ या इसका कुछ है भी आगे? 3 बार का इसका सर्वे हो चुका है जी। उस बार जो है इन्होंने पत्थर लगाया, उसमें पत्थर लगाने के बाद भी यह किया कि नहीं, यह रोड का जो है फॉरेस्ट द्वारा उसका वो कर दिया गया है। फॉरेस्ट वालों ने कहा है कि हमारे पे तो कोई इसका वही नहीं आया। ऊपर से उनके संज्ञान उन्होंने जो हमसे पूछा गया कि जी कुछ हुआ, PWD वाले बोलते हैं कि ये जंगलात में है, जंगलात वाले बोलते हैं कि PWD में है। तो कम से कम ये तो देखो 10 सालों में इनके जब रोड ही सही नहीं होती तो ये करेंगे क्या? आप आइए तो नीचे आइए ना, यहाँ थोड़ा ये क्यारा में हमारी जो यहाँ से गाड़ी जाती है माल लेके, तो यही नहीं पता कि मंडी पहुँचती कितनी है। गाँव से पलायन यहाँ पे लगभग नहीं के बराबर है, पर कुछ भी नहीं है पलायन। हमारी नीतियों से लगता है आपको कि जानबूझकर पलायन करने को मजबूर कर रहे हैं? तो मजबूरी है हमारी, कहाँ जाएंगे बताओ, यहाँ रखे करेंगे क्या? जब हमारा जो है यहाँ से मटर जाता है वो जाता है 300 रुपये 400 रुपये धड़ी 5 किलो, और पहुँचते पहुँचते वो जो दिल्ली जाता है उससे जो है हमें पैसे मिलते हैं 150 रुपये, वो भाड़ा में चल जाता है।
तो कहाँ से होगा इसका बताओ। और स्वास्थ्य को लेकर अगर बात की जाए, स्वास्थ्य की स्थिति 108 नीचे से कोई आने को राजी नहीं है, आएंगे भी कहाँ से, उनको उनके ऊपर भी प्रेशर नहीं डाल सकते, कहते हैं अपनी गाड़ी से वहाँ तक आओ जहाँ तक रोड है। अब रोड आपने मालदेवता से ऊपर देख ली, मालदेवता में इन्होंने जो वो बोट वाली रोड निकाली वो हमारे लिए जो है वो एक किस्म से वो नासूरी बन गया है। उसमें भी बताते हैं कि हमारे मंत्री जी हैं, विधायक जी उसमें जो हैं और इन्वॉल्व कई लोग हैं, तो इसमें तो ये स्थिति हमारी क्या बताएं बताओ। बात की जाए शिक्षा व्यवस्था की तो क्यारा के समीप ही भगद्वारी खाल में इंटर कॉलेज है, जहां शिक्षा विभाग की नियति से अटैचमेंट का खेल खुलेआम चल रहा है और पिछले कई सालों से शिक्षक अटैचमेंट अटैचमेंट खेल रहे हैं। तनख्वाह इस विद्यालय से लेते हैं और काम कहीं और करते हैं, परंतु मूल विषयों के अध्यापक होने के बावजूद कई सालों से इस विद्यालय से अनुपस्थित चल रहे हैं। फिर भी विद्यालय की कोशिश है कि बच्चों का रिजल्ट 100% दिया जाए। पूर्व में हुई परीक्षा में बच्चों ने अच्छा प्रयास भी किया, परंतु कुछ अध्यापकों के चलते शिक्षा भी सवालों के घेरे में है। जब मूल विषय के शिक्षक ही अनुपस्थित होंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन। ये कॉलेज में कुछ समस्याएं हैं कि कुछ अध्यापक अनुपस्थित हैं यहाँ, जो जिनकी पोस्टिंग यहाँ हुई है लेकिन यहाँ से अटैचमेंट में कहीं और भेज दिए गए हैं। कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं बताएंगे? हाँ, तो अटैचमेंट तो है, एक तो अंग्रेजी है और ये एक वो है वो PTI जी, और ये ओपनर वाला एक वो साइंस में। तो ये कब से नहीं आ रहे हैं स्कूल में? मतलब अटैचमेंट ले रहे हूँ बाबा, उनको तो ऊपर से फ़ोन आ रहे हैं, शिक्षा मंत्री को फोन कर रहा है शिक्षा विभाग को कि जी इनको अटैचमेंट दे दें, तब यही स्कूल में अब फिर प्रिंसिपल साहब को तो वो तो देंगे जब नीचे से वो आ रहा। तो अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं आप लोग, हाँ जी, आपको के बच्चे किस तरह पढ़ पा रहे हैं? तो जब नहीं, बच्चे तो हमारे ठीक पढ़ाई स्कूल में पढ़ाई तो ठीक हो रही, बढ़िया हो रही है। हमारा जो है बोर्ड का रिजल्ट तो इस बार बहुत अच्छा रहा, पर यहाँ दिक्कत तो ये है कि यहाँ पे जो है तो अटैचमेंट चल रहा है, वो नहीं चलना चाहिए बस। पढ़ाई तो यहाँ हमारे जो टीचर आते हैं वो रेगुलर रोज ही आ रहे हैं, पर जो अटैचमेंट वाले हैं वो नहीं होना चाहिए, उसको रोके। अगर सरकार और शिक्षा मंत्री जो रोकता है तो ठीक है, नहीं तो हम अभिभावक सारे इकट्ठे होकर नीचे शिक्षा विभाग में जो है धरना देंगे कि भाई अटैचमेंट नहीं चलेगा, या तो स्कूल को बंद कर दो, सारे जो ये ताला लगा दो स्कूल में, अटैचमेंट की क्या बात है स्कूल में। राजनीतिक स्तर पर संघर्ष कर रहे कांग्रेस के नेता मनीष गोनियाल बताते हैं कि उन्होंने कई बार स्थानीय समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा, मगर मुख्यमंत्री जी भी क्षेत्र के प्रति उदासीन बने हुए हैं। उन्होंने मांग की थी कि क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ एक उप जिला अस्पताल का निर्माण किया जाए, जिससे आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके, परंतु आज तक इस पर भी संज्ञान नहीं लिया गया। मनीष गोनियाल भी दावे से बताते हैं कि ग्रामीण यहां से पलायन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जितना वह शहर में रहकर कमा सकते हैं उससे दुगना वह अपने खेतों में मेहनत कर अर्जित कर सकते हैं, परंतु कुछ जनप्रतिनिधि उन्हें जानबूझकर मजबूर कर रहे हैं कि ग्रामीण यहां से पलायन करें। उनकी बेशकीमती जमीनों को उनके गुर्गे औने पौने दामों पर खरीद कर खुद मालामाल हो सके। साथ ही उन्होंने सरकार से पूछा कि विपक्ष के नेताओं पर सरकार ED से लेकर CBI तक की जांच बिठा देती है, तो फिर घोटालों में घिरे अपने विधायक पर यह जांच सरकार क्यों नहीं बिठा पा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जनता बड़े आंदोलन के लिए अग्रसर होगी और उसकी जिम्मेदारी पूर्णतया सरकार की होगी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था कि यहाँ कोई उप अस्पताल बनाया जाए कि और अन्य गांव भी यहाँ उस अस्पताल का लाभ ले सकें, युवाओं को रोज़गार मिल सके और यहाँ की जो महिलाओं को डिलीवरी का टाइम हो चाहे अन्य कोई बीमारी का टाइम हो, यहाँ से उन्हें 25 किलोमीटर बाहर दून हॉस्पिटल या कोनेश्वर हॉस्पिटल ना जाना पड़े, उनकी स्वास्थ्य में यहीं पर ही सुविधा उनको यहीं पर ही उपलब्ध कराई जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कान में रुई डाल रखी है और आपने देखा होगा यहाँ के विधायक और उत्तराखंड का दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि वो मंत्री भी हैं, उसके बावजूद भी यहाँ रोड की स्थिति आप देख ही रहे होंगे क्या बदहाल स्थिति में है। अब यहाँ पर जो रोज़गार है तो गांव का अपनी खेती बाड़ी में भी आप देख सकते हैं उन्हें 20 किलोमीटर नीचे से ऊपर लाना पड़ता है, अपने कंधे में बोर कर लाते हैं और बाई चांस अगर कोई पहाड़ नीचे गिर गया और उसमें अगर रोड बंद हो गई तो आप ये देख सकते हैं उनकी सब्जियां सारी सड़ जाती हैं। सरकार इन्हें मजबूर कर रही है, माननीय मंत्री जी इन्हें मजबूर कर रहे हैं यहां से प्लान करने के लिए। ये प्लान करना नहीं चाहते, ये अपने यहां खुश हैं, पर इनको जो मूलभूत सुविधा है उससे वंचित हैं ये, इनकी कोई ज्यादा मांग नहीं है। गणेश जोशी जी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला लगा हुआ है, तो इन ग्रामीणों में जो विकास नहीं हुआ यहीं से पैसा बचा बचा करके मंत्री जी बने क्या? तो हकीकत है,
मैंने प्रेस वार्ता भी करी, इसमें कई बार मैंने बोला भी इस मुद्दे में जो गणेश जोशी की आय की संपत्ति जो बढ़ रही है, जो मुनाफा हो रहा है, गणेश जोशी ने अपना विकास करा, जनता का कोई विकास नहीं करा, जनता को गुमराह करके लॉलीपॉप पकड़ाया है। इसके अलावा गणेश जोशी ने कुछ नहीं करा, जितना भी विकास का पैसा है गणेश जोशी ने अपना घर भरा, जमीनें ली। और आप ये लगाओ आज के डेट में गणेश जोशी में जो आय संपत्ति का जो मतलब विजिलेंस कोर्ट ने मुकदमे का कायम करने के लिए अनुमति मांगी है माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो अब मुख्यमंत्री जी में देखना पड़ेगा कि वो धर्म का साथ देते हैं या अधर्म का साथ देंगे। और जो विपक्ष पार्टी है, जैसे हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हैं, उन पर जाँच लगाई, उन पर ईडी की जाँच लगाई, सीबीआई की जाँच लगाई, और आज की डेट में गणेश गोदियाल जी ने ओपन चैलेंज कर दिया पूरी सरकार को कि जितनी भी जाँच करानी मेरे ऊपर कराएं, पर अपने मंत्रियों में भी तो कराएं जाँच, अपने मंत्रियों में भी ईडी लगाएं, सीबीआई लगाएं, उनके पास भी तो पता लगे कि आज गणेश जोशी के पास 9 करोड़ रुपए कहां से आए। जनता का कोई आप देख रहे होंगे ना, सड़क का ये हाल है, भाई हमारा सामने खड़ा है, बाइक में किस तरीके से आ रहा है, कभी बाइक फिसल जाए, चोट लग जाए, उसमें कौन करेंगे, इनका एक रोजगार का साधन है, घर परिवार ये पाल रहे हैं, और कलकिन में इन्हीं के चोट लगती है तो उनका घर परिवार कौन देखेगा। गणेश जोशी जी के पास 2-3 विभाग हैं, कृषि है, उद्यान है, सैनिक है, और आज तक गणेश जोशी जी ये बताए मसूरी विधानसभा में उन्होंने कितने युवाओं को उद्यान विभाग या कृषि विभाग में नौकरी लगाई हो। उन्होंने अपने घर का भला करा, अपने चहितों का भला करा, गांव वालों का विनाश का काम किया है। मैं गणेश जोशी को खुली चेतावनी देता हूं, अगर गणेश जोशी जल्द से जल्द इसकी रोड की स्वीकृति नहीं देते तो हम मुख्यमंत्री आवास कुछ करने के लिए तत्पर खड़े रहेंगे। वहीं पहाड़ों का दुर्भाग्य है कि यहां शराब पहुंच जाती है, हर 10 किलोमीटर पर एक शराब ठेका नजर आ जाता है, परंतु अस्पताल नहीं मिलता, भू माफिया हर इलाके में सक्रिय रहते हैं। अब तो सूखा नशा भी पहाड़ों तक पहुंच रहा है, परंतु विकास आज तक नहीं पहुंच पाया, और ये हालात राजधानी देहरादून से मात्र 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर हैं। मूलभूत सुविधाएं हमारे जनप्रतिनिधि आजादी के 78 साल बाद भी हमें उपलब्ध नहीं करवा सके, विकास सिर्फ कागजों में ही अंकित हो जाता है, लाखों करोड़ों की योजनाओं में बंदरबांट खुलेआम हो रहा है। स्थानीय विधायक से लेकर पंचायत से जुड़े जनप्रतिनिधि दिन प्रतिदिन मालामाल हो रहे हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति इन जनप्रतिनिधियों ने जमा कर ली, बड़े बड़े आलिशान मकान से लेकर व्यवसायिक प्रतिष्ठान इन्होंने बनवा लिए, परंतु आम जनमानस को क्या मिल रहा है, इस पर अब बात खुलकर होनी ही चाहिए। साथ ही सिर्फ मंत्री ही नहीं बल्कि पंचायत से जुड़े जनप्रतिनिधियों की भी ईमानदार तरीके से संपत्तियों की जांच शुरू की जानी चाहिए। पर क्या खुद को धाकड़ धामी सुनना पसंद करने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यह कर सकेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए मुख्य संपादक दीप मैढ़ाणी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।